हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील तमोरी है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ द फर्स्ट लीप चैनल में। और मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं आज एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों की स्टडी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और उनकी यह उम्मीद रहती है बच्चों को लेकर के कि वो सारे सब्जेक्ट में टॉप करें और एक दूसरे बच्चे के साथ में कंपेरिजन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं और हम सब की सोचने समझने की शक्ति भी अलग अलग ही होती है। इसलिए कभी भी कोई भी बच्चा सारी चीज़ों परफेक्ट नहीं हो सकता है। कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में टॉप करता है तो कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे सब्जेक्ट में टॉप करता है। तो हमें कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा डिमोटिवेट होता है। और डिमोटिवेट तो हमें कभी करना ही नहीं है बच्चे को, बल्कि हमें ज़रूरत है उसको मोटिवेट करने की, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने की। और आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब हम उस बच्चे को हर एक एक्टिविटी पे, हर एक उसकी एक कामयाबी पे हम उसको मोटिवेट करें। बच्चा कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम मार्क्स क्यों ना लेकर आए, फिर भी हमें उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। उसको यही बोलना चाहिए कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया है और आप और मेहनत करो जिससे कि आपके मार्क्स और अच्छे आ सकें। तो बच्चा को खुशी मिलती है, उसको खुशी होती है कि मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। तो वो और अच्छा करने की कोशिश करता है जिससे कि वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें। मोटिवेट करेंगे तो बच्चा अच्छा कर सकता है, बहुत करने की कोशिश कर सकता है। थैंक यू।